दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। ये जांच महाटक सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ की उगाही के मामले को लेकर दी गई है। दरअसल आरोप है कि आप नेता सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल के पूर्व डीजीपी संदीप गोयल के साथ मिलकर जबरन वसूली रैकेट और दिल्ली के जेलों में हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर उगाही की है, जिसके बाद उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत सीबीआई जांच की मंजूरी दी है। बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया था कि उनसे आप नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी दिए हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से एलजी वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की थी। रिपोर्ट के मुताबिक सुकेश ने चिट्ठी में लिखा है, सत्येंद्र जैन ने मुझे लगातार पैसे देने के लिए मजबूर किया। 2-3 महीनों में मुझसे 10 करोड़ की राशि वसूल की गई। बता दें सुकेश ने दावा किया कि पूरा पैसा कोलकाता में सत्येंद्र जैन के करीबी ने लिया था। सुकेश ने आरोप लगाया है, सत्येंद्र जैन ने उसे डीजीपी जेल और जेल प्रशासन के दम पर धमकाया। उसने चिट्ठी में लिखा है, मुझे 2017 में गिरफ्तार किया गया था, मैं तिहाड़ जेल में बंद था। सत्येंद्र जैन उस वक्त जेल मंत्री थे। वो कई बार जेल आए और मुझसे कहा कि मैं जांच एजेंसी के सामने आम आदमी पार्टी को दिए चंदे के बारे में जानकारी ना दूं। सुकेश ने दावा किया कि सत्येंद्र जैन ने उससे पार्टी में जगह देने का वादा कर 50 करोड़ से ज्यादा का चंदा लिया। इतना ही नहीं, सुकेश के मुताबिक पार्टी ने उससे राज्यसभा में भेजने में मदद करने का भी भरोसा दिया। केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वो कई महीनों तक तिहाड़ जेल में बंद थे। फिलहाल जैन को अदालत ने हेल्थ इश्यू के आधार पर अंतरिम जमानत दे रखी है।